का मैसेज आया 12th क्लास में पढ़ता है सर, उसके पापा को पता चल गया, जब से उसके पापा को पता चल गया उससे मेरी बात नहीं होती, तो सर दिल नहीं लगता, सर सवाल नहीं लगता, सर बहुत टेंशन रहे मैं रहता हूँ। करियर माइनस लव का होल स्क्वायर क्या होता है? सर ये तो फिजिक्स का लेक्चर था, ये तो जीवन का ज्ञान देने लगे आप। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन भी फिजिक्स पे आधारित है। कैरियर माइनस लव का होल स्क्वायर होता है कैरियर माइनस टू टाइम्स ऑफ लव। हाउ? फिजिक्स का एक छोटा सा थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहता है बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम कहता है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 + x^2 है, तो आप कहते हो कि अगर एक्स बहुत 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 छोटा है, बहुत 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 छोटा है 1 से, तो ये पावर 2 डायरेक्टली यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 2x। अगर आप लिखते हो 1 - x^3, अगर एक्स अगेन बहुत छोटा है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 - x^3 है तो 1 - 3x, आप ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन आप लिख सकते हो, अगर x 1 से बहुत छोटा है, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो आप लिख सकते हो 1 - 3x। यह है बाइनोमियल थ्योरम। तो यहां पे कैसे लिखा गया है? यहां पे इसलिए लिखा गया है कि आपके कैरियर के कंपेयर में लव बहुत छोटा है, बहुत छोटी चीज है। बिटवीन लव एंड कैरियर, इफ यू वॉन्ट चूज लव, चूज कर लो लव को, और बाद में जब कटोरा लेके भीख मांगोगे तो ये रोमांटिक नहीं लगेगा। बेटा समय है, सुधर जाओ, कैरियर चूज करो, क्योंकि लव की एग्जिस्टेंस, लव की औकात कैरियर, कैरियर कैरियर से बहुत छोटा होता है। इसलिए इतना छोटा कि इसका स्क्वायर यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बच्चे का मैसेज आया 12th क्लास में पढ़ता है, सर उसके पापा को पता चल गया, जब से उसके पापा को पता चल गया उससे मेरी बात नहीं होती, तो सर दिल नहीं लगता, सर सवाल नहीं लगता, सर बहुत टेंशन रहे मैं रहता हूँ। अच्छा, तो मतलब यहाँ से गया सिलेक्शन तो होगा नहीं, बाद में क्या मिलेगा? ना वो मिली, ना तो तुम्हारा कैरियर मिला। बेटा प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो, वो तुम 3 साल बाद भी हो सकता है, 4 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन 2 साल बाद कैरियर बनाने जाओगे ना तो कुछ ना बन पाओगे। समय अभी है। देखो कोई भी चीज़ गलत सही नहीं होता है, हर एक चीज का सही समय होता है। तो सुधर जाओ थोड़ा सा, लाख डिस्ट्रैक्शन होगा लेकिन अपने आप पे कंट्रोल करो, और डिस्ट्रैक्शन होना भी चाहिए, जरूरी है। उसका रीजन ये है कि 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं, अब सब सीरियसली पढ़ने लगे ना तो 700 के नीचे सिलेक्शन ही ना हो किसी का। तो जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, उनको थैंक यू बोलो कि भैया बढ़िया है यार, तू लव और प्यार वार के चक्कर में लगा रहा, मैं पढ़ लेता हूँ। सोचो अगर ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो क्या होता? यही तो आज का हमारा स्टार है।